सो हेलो गाइस, आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ये बहुत सारे डाउट थे आपके, जो मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था, प्लस ये अपना कमेंट भी बहुत आ रहे थे इसके बारे में। तो मैं फिर सोच लिया कि चलो वीडियो बना देता हूँ ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको काम आ जाए। एग्ज़ाम भी बहुत करीब है और आपको ये डाउट क्लियर करना ज़रूरी था, सो मैं सोचा वीडियो बना देता हूँ। और भी भाई देखो, वीडियो में कोई डाउट रह जाता है आपका तो फिर आप मेरे को कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपका हर डाउट क्लियर करता हूँ, हर किसी को रिप्लाई देता हूँ भाई। सो गाइज, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू दिस। सो गाइज, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए लेकिन आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, एग्जाम क्लियर होनी चाहिए। सो गाइज, टी एस रमन की सबसे पहले डेट आ चुकी है 3 अप्रैल 2023, वो तो आपको पता ही है उसकी एग्ज़ाम डेट। लेकिन बात यह है कि 15 मार्च तक लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप करने का, उसका डेट अभी एक्सटेंड कर दिया गया है और 25 मार्च हो गया, मतलब 25 तारीख तक डेट लंबा दिया है इन्होंने। सो गाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फॉर्म फिल कर सकते हो कभी भी। और गाइज, जो भी अभी होल टिकट किसी किसी को, बहुत लोगों को आ गई है जिसने स्टार्टिंग में फॉर्म भरे थे उनकी आ गई है, और जो लेट फॉर्म भरे थे उसकी भी आ जाएगी, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। सो गाइज, वो टेंशन मत लो, आपका वो डाउट क्लियर हो गया। सो गाइज, नेक्स्ट डाउट है जो बहुत लोगों ने पूछा है, सर कि एग्ज़ाम लैपटॉप में दे या फ़ोन में दे। और लैपटॉप में दे तो वेब कैमरा अलग से लगाना पड़ेगा, पीसी में वेब कैमरा अलग से लगाना पड़ेगा। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम तो भाई लैपटॉप में या पीसी में ही हो पाएगा, वरना आपका एग्ज़ाम नहीं आप दे सकते मोबाइल फ़ोन पे। और कैमरे में तो जो लैपटॉप रहता है उस पर कैमरा ऑलरेडी रहता है, सो वो वेब कैमरे का भी काम करता है, तो अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। प्लस अगर आपके पास पीसी है सो आपको पीसी में तो भाई वेब कैमरा लगाना ही पड़ता है भाई, पीसी में कैमरा नहीं आता। और जो बंदे बोल रहे थे साइबर कैफे में जाके एग्ज़ाम दे सकता हूँ, सो हाँ, साइबर कैफे में जाके एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन साइलेंट प्लेस पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उधर अगर कोई भी आवाज़ आ रही है बार बार, कोई उसके कस्टमर आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, सो अगर आपका ऑडियो डिटेक्ट होता रहेगा, फ्रीक्वेंसी जाती रहेगी, तो एआई आपकी एग्ज़ाम बंद कर देगा। और आपको कैमरे में भी, अगर आप घर पे दे रहे हो तो कैमरे में भी आपको कॉन्स्टेंटली आपको स्क्रीन पर ही देखना है, अगर आप नहीं देखते हो तो आपका एग्ज़ाम बंद हो जाएगा। प्लस आप अगर घर पे भी अगर शोर शराबा होता है, फ्रीक्वेंसी जा रही है ऑडियो की बार बार जा रही है, तो आपकी एग्ज़ाम बंद हो जाएगी। अगर एक दो बार कुछ उस किसी ने आवाज़ दे दिया और तो फिर नहीं होगी, लेकिन बार बार होगा तो एग्ज़ाम बंद हो जाएगा। सो गाइज, ये डाउट क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट डाउट ये है कि एआई क्या है। सो गाइज, एआई ये है कि जैसे कि आपको एक सुपरवाइज़र रहता है एग्ज़ाम में, जो सब ध्यान रखता है आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, कुछ हलचल हो रही है, वही एआई है भाई। वो ऑटोमेटिकली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट उसको बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको चीटिंग करोगे, आप कुछ भी हिलोगे डुलोगे, उधर उधर नज़र करोगे, किसी से बात करोगे, वो आपको पकड़ के आपका एग्ज़ाम बंद कर देगा। सो यही है एआई गाइस, आपको बस वीडियो में फेयरली आपको एग्ज़ाम देना है, वीडियो में आपको देखता रहना है, स्क्रीन पर देखता रहना है, बस आपको एग्ज़ाम देना है, और आपको कुछ आवाज़ नहीं करना, ना तो आसपास में आवाज़ आनी चाहिए। सो यही है भाई, एआई डिटेक्ट करेगा, आपका एग्ज़ाम बंद कर देगा। सो गाइज, नेक्स्ट डाउट ये है कि मैथ्स में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत आ रहा था, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है गाइज, अगर आपने कुछ गलती किया तो आपका एग्ज़ाम बंद हो जाएगा। सो ये है कि मैथ्स में कैलकुलेशन करना नामुमकिन है। अगर आप मैथ्स में कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपको नीचे देखना पड़ेगा, बुक में देखना पड़ेगा, या तो बुक में अगर आप देखते हो तो चीटिंग कहलाएगा, सो आप बुक में नहीं दे सकते, आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर आपका स्क्रीन पर से ध्यान हटा तो आपका एग्ज़ाम बंद हो जाएगा। जैसे कि आपके चहेते सेलर भाई अंसारी भाई ने बोला था कि ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन वो गलत बोले थे, आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते गाइज। आप भी सोचो, अगर एआई में कुछ इधर उधर देखते हैं तो भी बंद हो जाता है एग्ज़ाम, सो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, ना तो आप कोई अदर विंडो खोल सकते, अदर टैब नहीं खोल सकते, सो ये नहीं कर सकते आप कैलकुलेशन। आपको एमसीक्यू डायरेक्टली अपने दिमाग में कैलकुलेट करके आपको एमसीक्यू सिलेक्ट करना है गाइस। और गाइस, वीडियो तो लंबी हो रही है और होगी लंबी, वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोला था, आप बस वीडियो देखते रहिए और कुछ टिप्स ट्रिक्स आपको मिस ना कर दो। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सो गाइस, नेक्स्ट डाउट ये है कि लोग पूछ रहे एग्ज़ाम हार्ड होगा, ईजी होगा।
सो गाइज़ मैं देखो ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप टेंट अच्छे से पढ़े या तो आप बस इंग्लिश अच्छे से जानते हैं सो आप क्वेश्चन को आराम से रीड कर सकते हो, आप अपने दिमाग में सोच सकते हो। अगर आपको इंग्लिश पता है तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ोगे ना, सब इंग्लिश में ही पूछेंगे। सो अगर आपका बेसिक इंग्लिश अच्छा है तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। तो इंग्लिश का 50 मार्क्स रहता है, फिर अपना ये जीके का 20 मार्क्स का रहता है 20 क्वेश्चन, फिर मैथ्स के 15 क्वेश्चन रहते हैं तो उसका 30 मार्क रहता है, दो दो मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, सो टोटल 85 क्वेश्चन रहते हैं और 100 ये रहता है अपना मार्क्स। सो गाइज अगर आप टेंट अच्छे से पढ़ो, आपको मैथ्स में भी कैलकुलेशन अच्छे से आता है सो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। और गाइज लोग पूछ रहे हैं मेरिट कितना जाएगा, कितना कट ऑफ जाता है। सो गाइज अभी टीएस रमन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सो अभी कट ऑफ जाता है 95 प्लस, तो अभी जाता ही है दो तीन बैच से मैं देख रहा हूँ। सो गाइज आपको मेहनत फुल करना है, कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है इस पर। सो गाइज नेक्स्ट डाउट ये है कि एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट कब आएंगे। सो गाइज रिजल्ट्स तो एग्ज़ाम के एक वीक के अंदर आ जाएगा, मतलब कि सबको मेल नहीं आएगा, जो टॉप के जो बंदे रहे हैं ना मेरिट में उनको सबसे पहले मेल आएगा। ग्रुप वाइज इंटरव्यू होता है, एक वीक में कोई ग्रुप का इंटरव्यू होता है, फिर सेकंड वीक में किसी और ग्रुप का इंटरव्यू होता है, इस टाइप से इंटरव्यू होता है। सो जिसका भी जो भी टॉप के बंदे होंगे उनको पहले मेल जाएगा एक वीक के अंदर, और बुलाएंगे कैंपस में, टीएस रमन कैंपस में, नावा सिवा में, मुंबई में, नवी मुंबई में। सो ये वहीं पे इंटरव्यू फिजिकल और ये अपना होगा क्या बोलते हैं मेडिकल सब कुछ। सो उसको भी टाइम दिया जाएगा, जब रिजल्ट्स उनको मेल आएगा उसके एक वीक दिए, 5 दिन या एक वीक दिया जाता है, सो उसके अंदर उनको वहाँ पे जाना रहता है। सो गाइज एक और डाउट था रिजल्ट्स के बारे में, लोग पूछ रहे कि रिजल्ट्स कहाँ पे पता चलेगा, कहाँ पे आएगा। सो रिजल्ट्स कहीं पे नहीं आता है, जिसका भी एग्ज़ाम क्लियर होता है, मार्क्स जिसके हाईएस्ट होते हैं उनको सबको मेल आता है कि आपका इंटरव्यू है, आप एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हो। सो यही है, कहीं पे लिस्ट बाहर नहीं पड़ती, कहीं वो कोई वेबसाइट पे नहीं जाना रहता, बस आपको मेल आएगा जो आपने मेल डाला है होल टिकट में वही। और गाइस सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा डाउट, स्टडी मटेरियल कहाँ से ले, क्या किधर, कितना सिलेबस है, क्या होगा, सिर्फ स्टडी मटेरियल के बारे में सब लोग बहुत पूछते हैं। सो गाइस स्टडी मटेरियल तो देखो मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करिएगा, इंस्टाग्राम आईडी में अपना ये डाल दूंगा स्क्रीन पर भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। सो आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करना रहता है, बस मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा। सब लोग देखो बहुत ही चार्ज लेते हैं, 500 लेते हैं स्टडी मटेरियल के, कोई भी फ्री में नहीं देता है यूट्यूब पे, लेकिन मैं भाई सबसे लोवेस्ट, सबसे मिनिमम प्राइस में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, सबसे कम प्राइस में भाई, सबसे मतलब बहुत कम प्राइस में भाई। सो आप अगर लेना चाहो तो मेरे को आप इंस्टाग्राम में मैसेज करिएगा, हर तरह का आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जीपी रेटिंग का पूरा एंड एग्ज़ाम पूरा जॉब लग जाएगा वहाँ तक का स्टडी मटेरियल का आपको रिक्वायर्ड रहता है जब आप जीपी रेटिंग करते हो। सो गाइज़ यही इंग्लिश मैथ्स एंड जीके का टोटल 10 PDF है मेरे पे, और प्लस ये पास्ट पेपर्स के लाइव जो दिया जाएगा उसका भी सब कुछ है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और मैथ्स का सॉल्यूशन सब दिया हुआ है। सो आपको आइडिया लग जाएगा आपको कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना है, आराम से आप स्टडी करके, थोड़ा अभी 10-12 दिन बचा है, बस आप आराम से स्टडी करो। और गाइज ये मत सोचो कि आप ये इतने बंदों में आप कैसे क्लियर कर सकोगे, गाइज हो जाएगा अगर आप मेहनत करते हो। सो आपके जैसे बंदों के लिए ही ये एग्ज़ाम बनाया गया है कि ये क्लियर कर सको और आप पास हो सको। सो गाइज यही है वीडियो में, जो आपका सब डाउट था, आपका कमेंट था, मैसेज था, उसका मैं वीडियो बनाने वाला था, सो मैं बना दिया। और भी कोई डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करो या तो आप कमेंट करो, मैं हर किसी को रिप्लाई देता हूँ गाइज। तो गाइज चलो आप बस एग्ज़ाम क्लियर करो गाइज, ये मौका बार बार नहीं मिलता, 6 महीने में एक बार मिलता है, फिर एज भी ज़्यादा होती जाती है। सो आप मेहनत करो और एक ही बार में पास कर लो गाइज। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।